गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। इस दोहे का भावार्थ है, ईश्वर और गुरु दोनों एक ही है, अंतर सिर्फ बाह्य आकार का है, मूल रूप से दोनों एक ही है। दो का भाव समाप्त करके जो शिष्य ईश्वर का सुमिरन करता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अहम ही भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है और अहम की उत्पत्ति भी माया के कारण होती है। जब व्यक्ति माया से दूर होकर अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देता है तभी वह उस निराकार में समा पाता है। प्रेम गली अति साकरी का भी यही भाव है। गुरु उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है जहाँ साधक और परम सत्ता का भेद समाप्त हो चुका होता है, लेकिन शिष्य को वे दो दिखाई देते हैं क्योंकि अभी उसे काफी वक्त यह समझने में लगने वाला है। ऐसे ही एक अन्य स्थान पर कबीर साहब की वाणी है, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए। भाव है कि गुरु और गोविंद एक ही है। गुरु का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वही है तो गोविंद से साक्षात्कार करवाता है। जब शिष्य गोविंद से मिलता है तो वह वस्तुतः गुरु से ही मिल रहा होता है क्योंकि गुरु और गोविंद एक ही है। यह भेद जब समाप्त होगा तब दो की भावना नष्ट हो जाएगी और अहम नष्ट हो जाएगा। इसी पर कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार।